हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाई गाजीपुरिया पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2021 के एग्जाम के बारे में, जो 28 नवंबर को आयोजित होने वाली है। तो आज हम ऑल प्रीवियस ईयर के पेपर, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के पेपर को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको यूपी टेट के इन्वायरमेंट के ऑल प्रीवियस ईयर के पेपर देखने होंगे तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार करते हैं तो उसे कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, और सी प्रशिक्षण स्वानांतरण, और डी सीखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशिक्षण स्वानांतरण। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार करते हैं तो उसे कहते हैं प्रशिक्षण स्वानांतरण। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ऑप्शन ए कल्पना, बी स्मृति, सी विस्मृति, और डी ध्यान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को ऑप्शन सी, विस्मृति कहते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 76। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन ए मंद बुद्धि, ऑप्शन बी श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि, और ऑप्शन डी क्षीण बुद्धि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बुद्धि की प्रकृति, बी अधिगम में अधिप्रेरणा की भूमिका, सी मूल्यों का विकास, और डी किशोरों का मनोविज्ञान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किशोरों का मनोविज्ञान हाल का सिद्धांत व्याख्या करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। ऑप्शन ए कमेनियस, बी हॉल, सी हॉलिंगवर्थ, और डी फ्रायड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रायड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने किया था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डब्लू बुंट, बी सिगमंड, सी पावला, और डी वाटसन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डब्लू बुंट। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्लू बुंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रांज ब्रेंटानो, बी मैक्स वथिमर, सी एडगर रूबिन, और डी कट लेविन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांज ब्रेंटानो। फ्रांज ब्रेंटानो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। सघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अधिगम, बी अभिप्रेरण, सी स्मृति, और डी सृजनात्मकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अधिप्रेरण। सघनन सिद्धांत अधिप्रेरण से संबंधित है, अभिप्रेरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्यवहारविदों का, बी संरचनाविदों का, सी मनोविश्लेषकों का, और डी गेस्टाल्टवादियों का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यवहारविदों का। क्षेत्र सिद्धांत नियम क्षेत्र सिद्धांत का वर्ग है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83।
डैश 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 बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, बी रुचि, सी बुद्धि, ऑप्शन डी अभिक्षमता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्धि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया था? इसके 4 ऑप्शन है। ए हल, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर और डी वाटसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्किनर। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने किया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी अभिवृत्ति और डी अभिक्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं अधिगम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रतिदर्श सिद्धांत, बी समूह कारक सिद्धांत, सी गिलफोर्ड का सिद्धांत और डी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 87। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 80, बी 100, सी 110 और डी 125। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 125। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि ऑप्शन डी 125 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत, बी हाइपोटोल्सिक सिद्धांत, सी सक्रियता सिद्धांत और डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सक्रियता सिद्धांत। संवेग का सिद्धांत इसी विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 89। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली संवेगिक तनाव कहलाती है? इसके 4 ऑप्शन है। ए द्वंद्व, बी कुंठा, सी चिंता और डी तनाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुंठा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली संवेगिक तनाव को कुंठा कहते हैं। बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 90। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भाषा विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास और डी शारीरिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नैतिक विकास। कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।